मेरा 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 तेरा प्यार प्यारी, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार, मेरा 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 तेरा प्यार प्यारी, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार। करते हैं नैनों से नैना मिलने का इकरार, करते हैं नैनों से नैना मिलने का इकरार। प्यारे ओ प्यारे तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। सुलोचना कदम जी जो कि शादी के बाद सुलोचना चौहान कहलाई, आज इस गायिका के बारे में मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि ये नाम एक ऐसा नाम है कि इंडस्ट्री में होते हुए भी बहुत कम लोग हैं जो इस नाम से वाकिफ हैं या ये जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में हमारी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स उस दौर की जो थी उनमें कोई नाम सुलोचना कदम या सुलोचना चौहान का भी था। हालांकि इन्होंने इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम किया, इनका ताल्लुक तो मराठी फिल्मों से था और मराठी फिल्मों में इन्होंने अपना बड़ा अच्छा मकाम बनाया, लावनी में इन्हें कमाल हासिल था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी हिंदी फिल्म जगत में, हमारी हिंदी म्यूजिक की फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें वो मकाम नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। हाके आवाज हालांकि बड़ी अच्छी थी और इनकी आवाज का जो टेक्सचर था वो शमशाद बेगम जी से काफी मिलता हुआ था। अब मुमकिन है कि जिस तरह से शमशाद बेगम जी को गॉडफादर मिले या दूसरे आर्टिस्टों को, दूसरे फनकारों को कोई ना कोई एक गॉडफादर मिल जाता है, उन्हें ऊपर की तरफ ले जाने वाला मिलता है, शायद इन्हें वैसा कोई सपोर्ट नहीं मिल सका। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से सुलोचना कदम जी बहुत आगे का सफर नहीं तय कर सकी। मौसम आया है रंगी, बजी है कहीं सुरीली भी, ऐसे में हाले 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 आ। मैं आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको ये बताऊं कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे श्याम सुंदर जी। जी हाँ, वही श्याम सुंदर जी जिन्होंने गांव की गोरी और बताएं कौन सी फिल्म जिसमें रफी साहब को उन्होंने गवाया था। सुलोचना जी का ताल्लुक उस दौर से है कि जब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने एक मोड़ लिया था और ये दौर था 1950-51 का कि जब अच्छी फिल्में बननी शुरू हो चुकी थी। और उसी दौर में 1951 में एक फिल्म आई ढोलक, इसमें हीरो थे अजीत और हीरोइन थी मीना शोरी जी, और ढोलक में सुलोचना जी के कई गाने थे और इन्होंने रफी साहब के साथ भी कुछ गाने गाए थे। गुल बलोच जी, तो गुल बलोच और गांव की गोरी में श्याम सुंदर जी ने रफी साहब को मौका दिया था
और वही श्याम सुंदर जी की संगीत इस फिल्म ढोलक में भी थी। उस जमाने के हिसाब से गाने बड़े खूबसूरत थे, बड़े प्यारे थे। और उसके बाद 1953 में आने वाली फिल्म सुरंग में भी उन्होंने कई गीत गाए और इसमें संगीत दिया था शिवराम कृष्णा जी ने और गीत लिखा था शिवन रिजवी जी ने, जबकि ढोलक में जो गाने थे उसे लिखा था अजीज काश्मीरी साहब ने। लेकिन 1953 से पहले 1952 में भी उनकी एक फिल्म आई थी और ये फिल्म जो थी ये होमी वाडिया की थी, जंगल के जवाहर, जिसमें संगीत दिया था माधवलाल मास्टर ने। और काम तो हो रहा था, थोड़ा स्पीड उसकी रफ्तार कम थी लेकिन काम तो कर रही थी वो। और उन्होंने कई फिल्मों में, बल्कि काफी फिल्मों में गाने गाए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि दामाद, मलका सलोमी, दस अवतार, मुखड़ा। इसके अलावा वसंत देसाई साहब की 1953 में बनने वाली फिल्म झांसी की रानी और इस तरह से और भी कई फिल्में थी। इनकी आवाज में कशिश तो काफी थी, आवाज में उड़ान भी काफी थी, एक मजबूत आवाज की मालिका थी सलोचना जी। लेकिन वही जो कहते हैं ना कि जो तकदीर में होता है वही होता है, तो इनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही मामला था। और एक क्रिश्चियन, पंजाबी क्रिश्चियन एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे उस जमाने में, विनोद के नाम से, जिन्होंने इनके कैरियर को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश तो की लेकिन बहुत दिनों तक इनका साथ नहीं रह पाया और उनकी बेवक्त मौत हो गई। और मौत भी कुछ इस तरह से हुई कि वो एक रस्टेड ब्लेड से उन्होंने शेव किया था जिससे उन्हें टिटनस हो गया और उसके बाद उसी टिटनस की वजह से विनोद साहब की मौत हो गई। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो उन्हें एक सहारा मिल रहा था विनोद जी के शक्ल में, वो भी खत्म हो गया। प्यारे पप्पू गोरे गप्पू पास तो मेरे आ, गोरी कलो झपक झल्लो छोड़ दे मुझको जा। मगर हसीना ये बेखबर जरा देख चुप कैसे एक नजर छलक रहा है निगाहों से प्यार थोड़ा सा। Thank you.